एक और इमाम है, एक जाहिल आता है, मुंह को लगता है बदतमीजी, बदजबानी, बदसलूकी का तरीका इख्तियार करता है, खामोश रहते हैं। अगले दिन एक तोहफा, एक हदिया लेकर उसके घर पहुंचते हैं। उसको तोहफा और हदिया जब उसके हाथ में थमाते हैं तो वो दंग रह जाता है और सवाल करता है कि इमाम, कल तो मैंने आपके साथ बदखुल्की, बदजमानी, बदकलामी की और आज आप मेरे लिए तोहफा लेकर आ रहे हैं। इमाम फरमाते हैं, ये तोहफा तो उन नेकियों के बदले है जो तूने अपनी बदकलामी के इवज मुझसे किया था। वो जो बदकलामी तूने मुझसे की थी, वो जो नेकियां तूने उसके इवज मेरे पलड़े में डाल दी, ये तोहफा तो उसके इवज है। अल्लाह सुभाना ताला हमें कुरान के हुक्म खुजिल अफ, माफ करने के तरीके को पकड़ लो, इसको थामने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह सुभाना ताला कुरान में फरमाते हैं, वल्याफू वल्यस्फहु, देखो माफ़ कर दिया करो, दरगुजर कर दिया करो। अला तुहिब्बूना अन यग़फिरल्लाहु लकुम, क्या तुम इस बात को पसंद नहीं करते कि अल्लाह सुभाना ताला भी तुम्हें माफ़ कर दे। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला है।